हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नैना ब्यूटी टिप्स एंड प्रोडक्ट रिव्यू। आज मैं आप लोगों के साथ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स का वीडियो शेयर कर रही हूँ, और साथ ही साथ आपके फेस पे लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है या ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर करें, या फोरहेड पे पिंपल की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो इसे एंड तक देखिएगा। और यार, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन होगा उसे तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी ऐसी ही वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। आपको कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नैना ब्यूटी प्रोडक्ट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसका फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश। इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 चम्मच बेसन, और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 पिंच टर्मरिक और इसको मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक हल्दी का यूज़ किया है, आप चाहो तो किचन वाली हल्दी का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे एज अ फेस वॉश। तो अब हमारा फेस वॉश हो चुका है रेडी, ये आप देख सकते हो। इसको आपको लेना है और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। ये आपकी पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करता है। अगर आप ये नेचुरल वाला फेस वॉश यूज़ करोगे तो धीरे धीरे आपके फेस पर जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी, और अगर आपके फोरहेड पे पिंपल की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। इसको आपको 2 से 3 मिनट तक अपने पूरे फेस पे मसाज करनी है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है। इसका सेकेंड स्टेप है स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कॉफ़ी पाउडर। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर लूँगी, और इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ शुगर, आप ग्राइंड शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रॉ मिल्क, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा स्क्रब बनके रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो गाइस, हमारा स्क्रब। इसको आपको लेना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है, इसको मतलब अपने फेस पे लगाना है अच्छे से, और सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है क्योंकि इसमें है कॉफ़ी और शुगर। कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर का काम करता है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके स्किन को फ्रेश रखते हैं, स्किन पे जो आपके डेड सेल्स हो जाती हैं उसको हटाता है, साथ ही साथ आपके स्किन पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, और अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दूर करता है। कॉफ़ी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है शुगर। शुगर भी आपके स्किन से डेड सेल्स को हटाने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क आपके फेस पे ग्लो लाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। गाइस, आपको इसको 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पे लगा के मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है। थर्ड स्टेप है हमारा स्टीम। इसके लिए हम लेंगे एक बर्तन, उसमें पानी को गर्म कर लेंगे और एक टॉवल की सहायता से, मतलब टॉवल को उसमें डिप करके अपने पूरे फेस पे रखेंगे। ऐसा आपको 3 बार करना है, इससे आपके जो पोर्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे और आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, क्लीन रहेगी, और इससे आपके फेस पर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, और जो आपके फोरहेड पे पिंपल या आपके फेस पे जो पिंपल की प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर हो जाएगी।
देखो यार, स्टीम तो ले लिया हम लोगों ने, तो मतलब अपने सारे पोर्स क्लीन कर लिए। तो इसके बाद हम जो अपने फेस पे नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं वो हमारे फेस पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा, मतलब उसका हमको 100% रिजल्ट मिलेगा। सो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप है कौन सा। फोर्थ स्टेप है हमारा फेस पैक। इसके लिए हम लेंगे हिबिस्कस पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ हिबिस्कस पाउडर। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे राइस फ्लावर 1/2 टी स्पून, और इसके बाद ऐड करेंगे कर्ड। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये फेस पैक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक ये फेस पैक एंड दूसरा फेस पैक है मेरा फेवरेट कॉफ़ी का फेस पैक, दोनों मुझे बहुत ही पसंद है। मैं एक वीक में एक बार तो पक्का दोनों में से एक फेस पैक लगा ही लेती हूँ। सो फेस पैक बन के रेडी है, ये आप देख सकते हो। अब इसको आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। इसको आपको लेना है और अपने पूरे फेस पे इसकी एक थिक लेयर अप्लाई करनी है। ये आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो लेके आता है, साथ ही साथ आपके फेस पे जो तो डार्क स्पॉट हो रखे हैं या ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दूर करता है। इसको आपको 20 से 25 मिनट तक लगे रहने देना है अपने फेस पे। उसके बाद नॉर्मल वाटर से सर्कुलर मोशन पे मसाज करते हुए अपने फेस से इसको निकाल देना है आपको। इससे आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आएगा, यू कैन सी गाइस। गाइज ये सारे स्टेप आपको वीक में एक बार जरूर फॉलो करने हैं, और मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। मेरी पहली टिप है कि आपको स्किन केयर रूटीन डेली फॉलो करना है। अगर आप स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो करोगे तो आपके फेस पे कोई भी डिफरेंट नहीं दिखेगा, मतलब आपका फेस ग्लोइंग नहीं लगेगा। और अगर आप स्किन केयर रूटीन डेली फॉलो करते हो तो आपके फेस पे ग्लो भी रहेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी। सेकेंड टिप है, आपको दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश करना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको फेस वॉश नहीं करना है। और हाँ, जब भी आप अपना फेस वॉश करो तो उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, जो भी आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो। थर्ड टिप है, आपको सनस्क्रीन डेली लगाना चाहिए, चाहे आप बाहर जाओ या ना जाओ, नहाने के बाद आपको अपने फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। फोर्थ टिप है कि अगर आपको ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप उसको फिंगर की सहायता से ना फोड़े, इससे आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स कम होने की बजाय और बढ़ जाएंगे। और हाँ, एक बात और, जो मैंने अभी आपको एक फेस वॉश बताया है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, एकदम नेचुरल फेस वॉश है, इससे आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, साथ ही साथ आपकी स्किन ग्लोइंग भी होगी। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलती हूँ आपको अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।